नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर से स्वागत है आपका चुनावी वेला में। आज हम आए हैं ग्राम पंचायत करेर में, जहां से जो है प्रधान पद की उम्मीदवार इस बार फिर से सरला देवी जो है फिर से चुनावों मैदान में उतरी हैं। तो आपको बता दें कि पहले भी ये प्रधान पद पर आसीन रह चुकी हैं और एक बार जिला परिषद चेयरमैन भी रह चुकी हैं। इन्होंने पहले भी विकास के बहुत से कार्य करवाए हैं और आपको इनसे रूबरू करवाते हैं और जानते हैं कि इस बार जो है वो किन मुद्दों को लेकर ये चुनावी मैदान में उतरी हैं और इनकी जो प्राथमिकताएँ हैं वो क्या क्या रहेंगी। पहले तो आपका स्वागत है मैम एस्टूडे चैनल में। धन्यवाद जी, वेलकम। तो आप हमें बताइए कि इस बार जो आप चुनावी मैदान में उतरी हैं आपकी क्या क्या प्राथमिकताएं हैं? मैडम जी, सबसे पहले तो मेरा ध्यान रहेगा अपनी पंचायत के विकास कार्य पर, क्योंकि मैं तो लगातार पिछले 20 वर्षों से जो लोगों से जुड़ी हुई हूँ, जमीनी तक मैं लोगों से जुड़ी हुई हूँ, पर मैं अब जब मैं हर गाँव हर घर में जा रही हूँ तो लोगों में जो है वो मेरी पंचायत में खासकर जो रास्ते हैं वो बिल्कुल उनका बुरा हाल है। जो सड़क सुविधाओं से तो मैंने जोड़ दिया था उनको, परंतु अभी भी सड़कें जो बहुत कच्ची हैं और ज़्यादातर गांव में अभी शमशान घाट जो वो नहीं बने हैं, तो वो भी मेरी प्राथमिकता रहेगी। बच्चों को खेलों के ग्राउंड, घर घर जो कोशिश हमारी रहेगी, गाँव गाँव जाकर लोगों में स्वास्थ्य बारे में जागरूक करेंगे और कोशिश करेंगे कि गाँव में स्वास्थ्य के बारे में जागरूक करने के लिए कैंप लगाए जाएंगे, घर में जो है वो सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। तो आप हमें बताइए कि जो इस बार आपका चुनाव चिन्ह है वो क्या है? हैंडपंप। मैडम जी, हैंडपंप जी। तो इस बार आप जो चुनावी मैदान में उतरी हैं तो आप लोगों के बीच जो प्रचार कर रही हैं तो लोगों का कैसा सहयोग आपको मिल रहा है? मेरी पंचायत के लगभग सभी लोगों का जो है मेरे को सहयोग मिल रहा है और उन्हीं लोगों की वजह से मैं जब पता लगा कि हमारी पंचायत जो अब लेडीज के लिए ओपन है तो उन लोगों ने ही मेरे को बोला कि आपने चुनाव में उतरना है और आपने जो विकास, मैंने पहले भी बहुत विकास कराए हैं क्योंकि मैं पहले भी पंचायत प्रधान रह चुकी हूँ 2005 तक, उसके बाद मैं जिला परिषद मेम्बर रही हूँ 2010 तक, फिर 2010 में मैंने रिपीट करा था जिला परिषद और 15 तक मैं जिला परिषद हमीर की अध्यक्ष रही हूँ। तो जब मैं पंचायत में रही थी तब भी मैंने बहुत से विकास कार्य करवाए थे जिला परिषद में भी, और मैं जब जिला परिषद हमीरपुर की अध्यक्ष रही तो मैं जिला परिषद हमीरपुर में एक नेशनल अवार्ड जो है वो हमने जिला परिषद में 30 लाख रुपया जो मैं हमीरपुर के लिए लाई थी, जो कि हमारे लिए उस टाइम बहुत गर्व की बात थी। मैं ऐसे ही कोशिश करूँगी कि जो मेरी पंचायत है आने वाले, अगर मेरी जनता मेरे साथ मेरा सहयोग करती है, मुझे भारी मतों से जिताती है, तो मैं अपनी पंचायत को हिमाचल की प्रथम जो पंचायत है उसके ऊपर मैं कोशिश करूंगी और ये पंचायतवासियों से ये वायदा भी कर रही हूं कि अपनी पंचायत को शिखर के ऊपर ले जाऊंगी। तो इस बार आपकी जनता से क्या अपील रहेगी? मेरी जनता से यही अपील है करेर पंचायत के निवासी भाई बहनों माता बुजुर्गों से कि मुझे भारी से भारी मतों से विजय बनाएं। मेरा चुनाव निशान हैंडपंप है जो कि तीसरे नंबर पर है, उस पर मोहर लगाएं और भारी मतों से मुझको जिताएं, तो मैं लोगों का जो लोगों की अपेक्षाएं हैं उन पर खरा उतरने की कोशिश करूँगी। धन्यवाद। तो ये थी करेर पंचायत की, जो ग्राम पंचायत करेर है वहाँ से जो सरला देवी इस बार प्रधान पद की उम्मीदवार जो चुनावों में उतरी थी। उन्होंने बताया कि वो पहले भी जिला परिषद चेयरमैन रह चुकी हैं और प्रधान पद पर आसीन थी तो उन्होंने पहले भी विकास के बहुत से कार्य करवाए हैं और इस बार भी वो कई जो विकास के कार्य रह चुके हैं, जो कार्य आधे अधूरे लटके पड़े हैं उनको पूरा करवाएंगी। तो ये थी ग्राम पंचायत करेर की स्पेशल रिपोर्ट सरला देवी के साथ। मैं हूँ आपके साथ अनु शर्मा।